आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मवेशियों के साथ निर्दयता का मामला सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस ने सभी जानवरों को मुक्त कराया है और उनको गौशाला में शिफ्ट किया गया है, जहां जानवरों के रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है। हम आपको बता दें कि मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मोखर में लोगों ने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले आवारा जानवरों को मुरूम खदान में धकेल दिया था, जहां तकरीबन 200 से अधिक जानवर खदान में भूख से तड़प रहे थे, जिसका मामला एक दिन पूर्व सामने आया था। जानवरों की निर्दयता का मामला सामने आने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी जानवरों को खदान से मुक्त कराया है और पास के ही नैनी पहाड़ में बनाई गई गौशाला में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर पंचायत की तरफ से एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है, जो जानवरों के प्रतिदिन देखभाल करेगा और उनके भूसा और पानी की व्यवस्था करेगा। प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम की ग्रामीणों ने सराहना की है। हम आपको बता दें कि एक दिन पूर्व भी मवेशियों के साथ क्रूरता के मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी नवनीत भसीन ने तत्काल मऊगंज एसडीएम और थाना प्रभारी श्वेता मौर्य को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर मवेशियों को गौशाला तक पहुंचाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद तकरीबन 200 मवेशियों को खदान से बाहर निकालकर गौशाला में शिफ्ट कराया गया है और उनके खाने और पीने की व्यवस्था की गई है। एक व्यक्ति को चुना है कि उसको मैं 5,000 मैं अपने से दूंगा, वो सुबह शाम चरा के इनको पानी पिला के बांधेगा और पैरा के लिए हमने 2 टाली के लिए भी पैसा दे दिया हूँ, जब खत्म होगा फिर से।